हाँ जी बेटे, आईसीएसई लेक्चर दे विच प्लस वन फिजिक्स दे मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक एक लेक्चर पहला असि तुहानू अपलोड भी कर चुके यूट्यूब उपर। मैथमेटिकल टूल दे अंडर टिग्नोमैट्री दे विच एंगल जो थीटा मोर दैन 90 है उहनू कैलकुलेट किवें करना है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज हैविंग वैल्यू थीटा मोर दैन 90 जिदा साइन 120 साइन 270 साइन 540 किवें कैलकुलेट करांगे। ये तो अपना दो क्लास 9th 10th नहीं पढ़िया, 11th एंड 12th की जी फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है वो यूज होंगे। असी हम रूल नंबर 2 कर लगे, रूल नंबर 1 असं डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल आंसर रूल नंबर 1 ना करिए या रूल नंबर 2 ना करिए, आंसर कम्स आउट टू बी सेम आए। देखो जी रूल नंबर 2 सिर्फ नाम लिख सकते हैं, इफ एनी पी रेशियो कंटेन्स 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 540 प्लस माइनस थीटा और एंड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 का 18 कह लो ना 180 देन टी रेशो, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितनी होती है साइन कोसाइन टेंजेंट तीनों के इनवर्स secant secant and cot does not change t ratio नहीं बदलती। पहला असि रूल समझा रहे हां, इहदा मतलब है कि साइन का आंसर साइन च आएगा, साइन का आंसर कम्स आउट टू इन द साइन, कोस का जवाब कोस च आएगा बदलेगा ही नहीं, टैन का आंसर टैन च रहेगा, cot का आंसर cot च रहेगा, secant का आंसर secant च रहेगा। तो सीक्रेट आंसर तो लिखना चाहो लिख भी सकते हो, तो बाद चो वीडियो दे विच भी देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो तुहाडे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों वास्ते या पब्लिक स्कूल के बच्चों वास्ते, जिहड़े भी फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं स्टेट बोर्ड या सीबीएसई स्कूल के बच्चे, वो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल टूल्स नूं कीते बगैर फिजिक्स नहीं स्टडी कर सकते एट एनी कॉस्ट। ये बार बार यूज होना है काइनेमेटिक्स, इसके बाद यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करांगे काइनेमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिथे ते कोई कंसेप्ट यूज होंगे वो सारा समझाने की कोशिश कर रहे, तो वीडियो में ध्यान देखा जाए। तो वीडियो बनाना साडा कोई मेन मकसद नहीं है, तुहानू समझाना है किसी भी तरीके का फिजिक्स जी है वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग एज वेल एज थ्रू वीडियो तुहानू समझ आए। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, उम्मीद कर दो तुहानू समझ आ रही। फर्स्ट एग्जाम्पल सिर्फ लै रहे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा, secant 180 डिग्री माइनस थीटा। पहले सारी जी टी रेशियोज हैं उन्होंने 180 माइनस लिया, ये साडे कोल क्वाड्रेंट सिस्टम भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टी एंगल की वैल्यू 0 तो लैके 90 तक होएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 तो लैके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलरली 270 टू आज तुम्हें सिर्फ 360 तो ज्यादा वड्डी वैल्यू कढ़ना भी सिखा रहे, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है कोई भी, असीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करांगे। मैं हुणे बोल के अगे ते ध्यान दा फोकस किया जाए कि साइन दा आंसर साइन च रहना है, तो तुम्हें इत्थे 180 नजर आ गया, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। रूल नंबर 1 दे विच इत्थे 90 270 450 90 दा ओड मल्टीपल यूज करदे सी ते टी रेशियो बदलदी सी, साइन दा आंसर कॉस जांदा सी, ये रूल है, रूल ही फॉलो होना है ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो साइन विल रिमेन इन साइन, तो आंसर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, जो क्वेश्चन दे विच टी रेशियो है वही आंसर टी रेशियो रहनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, तो मिस्टेक नहीं करनी है समझना है। तो एक बार बेसिक मैथमेटिक्स समझ लोगे फिर 11th एंड 12th की फिजिक्स में बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझ आता रहेगा। प्रॉब्लम कितने आ रही है, हाउ टू फाइंड साइन, प्लस कदों लगाना है माइनस कदों लगाना है, मैं तुम्हें समझाया हुआ है पिछले पीरियड में आफ्टर स्कूल, बच्चा स्कूल तो बाद कॉलेज आता है नाल बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो थीटा लेस देन 90 होएगा, ए मींस ऑल सारे पॉजिटिव, कितने हैं ऑल ऑफ 10
टी रेशो तेन उन्हों दे इनवर्स छे इन्हें जो साइन ते उधर इनवर्स कोसीकेंट आ दो पॉजिटिव इधर जो टैन और उल्टा कोट कोण इधर जो कॉस और उल्टा इनवर्स सेकेंट तो आई तेरे सारा लेक्चर वीडियो में छोएगा वो मैथमेटिक्स दे ही जाएगा ठीक है इसे कोशिश करने कंटिन्यू करांगे इसमें देखो बेटे 180 माइनस थीटा 180 जो कुछ माइनस थीटा असली सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है साइन अते को सीखने ये तो इन देख के लगाया प्लस नहीं आंसर वाले पास देखना ही नहीं क्वेश्चन वाली टी रेशियो देखना साइन है आ साइन है दूसरा किथे कोसेकेंट ए दोनों राइट साइड तेरे तभी होगी आएगा आंसर पर देखने नहीं इसे रूल नंबर वन चीज से रूल नंबर टू जी देखना है रूल टू फाइंड साइन लगाने वास्ते लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन वाले टी रेशियो नु अपने दिमाग पे फोकस करो ये दो पॉजिटिव बाकी चार देखो तो बिल्कुल सारा आंसर आ गया है तो यदि एग्जांपल है भी तो उनको दिखा दिखा रहा हूं दूसरा एग्जांपल नंबर टू अगर ये भी तसी 180 प्लस कर लिए हों सारा साइन 180 तो सोचना शुरू करो तो नाला बेटे लिखना शुरू करो साइन 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा करने से किधर क्वाड्रेंट पहुंचेंगे थर्ड असली नाला ना से लिख रहे हैं कॉट तो जितने मिस्टेक होगा तो सिर्फ बोल के भी जा सकते हैं सीकेंड 180 प्लस थीटा को सीकेंड जिधर है वो 180 प्लस पहला था तो हमको पता है कि जो 180 नजर आ रहा है रूल कहना है कि क्वेश्चन वाली टी रेशियो ही आंसर में आनी है तो साइन विल रिमेन साइन कॉस विल रिमेन कॉस टैन विल रिमेन कॉस आल्सो टैन कॉट विल रिमेन आल्सो कॉट सेकंड आल्सो सेकंड थीटा एंड कोस फिर दोबारा देखना है रूल किधर क्वाड्रेंट पहुंच गया पर थर्ड ये तो नहीं लिखना चाहते ना लिखो फोकस करके सुन लो फिर वीडियो के बाद लिख लेना ठीक है इट्स अप टू यू सोचो दिमाग आंसर दो मेरे इंटरेक्टिव सेक्शन दे देखो एग्जांपल नंबर 2 जो है सी थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव है फिर ये पहले देख लो टेन एंड कॉट चाहे सी राइट हैंड साइड देखिए शायद आंसर सेम भी आ जाए पर नहीं ऐसे अपना दिमाग फोकस कर चुके हैं रूल भी यही है दो लग के आंसर थोड़ा ना समझ आ गए ठीक है तो असी एक और एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल 3 हूं असी 180 माइनस कर लिया 180 प्लस कर लिया हूं 360 माइनस थीटा इतने मोटे वापस कितने आ गया 360 से कुछ माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएंगे ये 360 प्लस करेंगे पहले जो पहुंच जाएंगे पहले क्वाड्रेंट है ना हूं असी अगली एग्जांपल ले रहे हैं साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टैन 360 माइनस थीटा देखते जाना कि वीडियो दिखता जाए क्लैरिटी उसी बेटे इतने दिख रहा है 360 माइनस थीटा कोसेकेंट 360 बेटे फटाफट आप पहले आंसर दे दिए पहला तो क्वेश्चन वही है हूं इतना 360 दिखने लग गया मैं जी दसिया 18 का टेबल 18 1 का 18 18 2 का 36 83 का 54 84 का 72 जे इतने नजर आएंगे 18 का टेबल चलेगा इंटीग्रल मल्टीपल तो आंसर चेंज होंगे ही नहीं जो क्वेश्चन वही आंसर जो क्वेश्चन वही आंसर तो साइन रिमेन साइन कॉस रिमेन कॉस टैन थीटा सिमिलरली कॉट थीटा सेकेंट थीटा और सेकेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है कॉस एंड सेकेंट कॉस एंड सेकेंट बाकी चारों नेगेटिव ठीक है तो ये तुहानूं समझ आ गया होगा हुण अगली एग्जांपल दे विच असीं 360 प्लस थीटा करके दिखा रहे हैं इसे साइड के ऊपर इस नूं वीडियो नूं नाल नाल चलदे रहण दो एग्जांपल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे में दिखा रहे हैं 360 प्लस फिर इसमें अप्लाई करके दिखाएंगे तो अप्लाई करके मीन्स हाउ टू फाइंड द वैल्यू इन लाइफ इस साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा मेरे ख्याल में समझ आ रहा है होना टेन 360
ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਟੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸਾਈਨ ਬਟ ਇਸ ਏ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੂਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 360 ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜੇ 360 ਵਿੱਚ 120 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ 480 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4th ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 45 ਲੈਨੇ ਜਾਂ 60 ਲੈਨੇ 420 ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 360 ਪਲੱਸ 60 ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਆਏਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਈਮਲਟੇਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈਨ 150 ਸਾਈਨ 270 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਈਨ 150 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਸੇਮ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਾਈਨ 150 ਸੋਚ ਲਓ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕੋਸ 150 ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਲ ਤੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਸਾਈਨ 150 ਅਗੇਨ ਕੋਸ 150 ਇਟ ਇਸ ਟੈਨ 150 150 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ 90 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 90 ਓਡ ਮਲਟੀਪਲ 90 ਇਨਟੂ 1 90 ਇਨਟੂ 3 90 ਇਨਟੂ 5 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਸਾਈਨ 90 ਪਲੱਸ 60 ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ 90 ਪਲੱਸ 60 ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਟੈਨ 90 ਪਲੱਸ 60 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਐਨੀ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਟੇਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ 90 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ 450 ਪਲੱਸ 90 ਦਾ ਔਰ ਐਨੀ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਔਡ ਦਾ ਮਤਲਬ 135 ਆਫ 90 ਦੈਨ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜਸ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਸ ਚ ਹੈ ਕੋਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚ ਹੈ ਟੈਨ ਦਾ ਕੋਡ ਚ ਹੈ ਕੋਡ ਦਾ ਟੈਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਟੈਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋ ਸੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਟੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟੈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਕੋ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ 1 ਓਵਰ ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋ ਸੀਕੈਂਟ ਚ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਕੈਂਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 90 ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕੋਨ 60 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਟੈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ
देखो बड़े साइन 90 का 60, साइन ना सिर्फ कॉस चला गया, कॉस का साइन जी टेन का कोटेंजेंट असी अपना रूल नंबर 1 का स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किया है, क्यों आया इस तो असी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वो किसी मेथड रूल लगा रहे उसी में अप्लाई करें इन फिजिक्स। हूँ असी देखना कि 90 का 60 बनिया कितना, तो 90 इतने 90 से 60 ऐड करेंगे असी इस क्वाड्रेंट च होवांगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन अते कोसेकेंट, साइन इधर देखना क्वेश्चन साइन प्लस, साइन जड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है इसका भी आंसर प्लस है। ठीक है, कोसेकेंट है नहीं इधर, बाकी दो हूँ साइन कॉस 60 वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है कॉस 60 वैल्यू, उसकी टेबल बना लो इतने, मैं टेबल जल्दी जल्दी बना दूंगा तो उसी याद रखनी है एज ए स्टूडेंट, 0, 30, 45, 60, 90 लेट अस फर्स्ट साइन फिर कॉस फिर टेन, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4 ते नाल स्केयर रूट, 0 तो लेके 4 लिखो के 4 नाल 4, 3, 2, 1, 0 सब नू 4 नाल डिवाइड करो क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लॉ क्लास दा इतने दसने की जरूरत नहीं है, सब का स्केयर रूट करो, सब का स्केयर रूट तुम देखोगे ध्यान कॉस 60 वन का रूट 1, 4 का 2 आंसर करना 1/2 नल प्लस आ गया आंसर, यह मतलब साइन 150 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू के बराबर है जिसका कि आंसर 1/2 होता है, यह मतलब कि ऐसे सीधा देखना चाहते साइन 150 या तो अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते या कोई लॉग बुक्स यूज करते उसी कुछ भी यूज नहीं करता असि दिमाग और रूल्स अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये जगह थीटा वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, अगर मान लो इतने 655 होंगे है ना 155 फिर 65 आएगा सी फिर कॉस 65 का स्टैंडर्ड च नहीं आता, वो देखने वास्ते अपने को लॉग बुक होंगी है और सारे की वैल्यू थीटा की चीजों तो लैके 90 तक 90। ठीक है, उसको देख किसी वैल्यू देख सकते हैं, साइन टेबल होंगे कॉस टेबल होंगे टेंजेंट टेबल होंगे। ठीक है, तो टोटल वाली गल नहीं एक वीडियो तुम बना के मैं साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू किवें कैलकुलेट करनी है ये भी जल्द तुम भेज दवांगे। ठीक है, ये डिस्कस हो रहा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू दी जा रही है जिसे आंसर इस तरह नहीं आएगा 0, 30, 45, 60 जो आंसर सानू रेडीमेड पता है। टेन वैल्यू लिखिए फटाफट अपने को ऑलरेडी हो चुका पिछले वीडियो, ये क्या आ जाएगा 10, 0, 1/√3, 1/√3 आप ही करके बैठे देख लें। ठीक है, तो असि टाइम बचाने साइन 60 देखो साइन 60 √3 का √3 4 का √2 √3/2 √3/2 एंड दिस इज कॉट टेन, देखो ध्यान टेन 60 करना √3 कॉट की होंगे एक बटा टेन तो यह आंसर होगा माइनस √3। इस तरीके वैल्यू कैलकुलेटर कामयाब होगी। हूँ यही सेम वैल्यू बच्चे ने रूल नंबर 1 भूल गया है ना, स्टूडेंट मैंबर तो रूल नंबर 2 याद है, देखिए दोनों तरीके आंसर सेम आंदा है। तो लेट अस सी, मैं इस हूँ रूल नंबर 2 के 18 का टेबल यूज करना, 18 का कुहाड़ा 18 का टेबल, 18 1 18 18 2 36 18 3 54 एंड सिमिलरली इन्हों मैं लिखना ही इस तरह 180 - 30 प्लस माइनस इतना हो सकता चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, कॉस नो मैं लिख लिया बेटे 180 - 30 और इस नो लिख लिया बेटे 10 180 - 30 सीधा आंसर। जो रूल नंबर 2 अप्लाई करते हाँ ट्रिग्नोमेट्री वास्ते फॉर थीटा मोर देन 90 तो साइन का आंसर साइन ही रहता है, कॉस का आंसर कॉस ही रहता है, टेन आंसर टेन ही रहता है, थीटा इतने 60 नहीं है 30 है, तो इसमें से रब कर देंगे क्या मैं वॉच करो। तो वीडियो तुम बार बार सुनो फिर समझने की कोशिश करो फिर अपनी कॉपी से लिखो आंसर देखो इतने पहुंच गया हम थीटा चेंज हो गया 30 आ गया जितने तक ट्रिग्नोमेट्री के आंसर का सवाल है वो हो गया। हूँ यह दूजा पार्ट की होंगे पहला होंगे कि रूल नंबर 1 लगाया कि 2 लगाया, रूल नंबर 1 के नाल इस तरह के आंसर आ गए, रूल नंबर 2 ना इस तरह के आंसर आ गए,
पर रूल नंबर टू दे चले की पेंडिंग है साइन रूल, साइन रूल देखने साइन 150 क्या देखो 150 के चाहे रूल नंबर वन लगाइए चाहे रूल नंबर टू लगाइए वैल्यू तो सेम ही है एवरी वेयर इज 150 150 कौन है सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता थीटा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है साइन तो साइन दे नाल प्लस लगाता इन नाल नेगेटिव लगाता इन नाल हूं तो उसे क्वेश्चन किया है कि मैं रूल नंबर वन नाल वैल्यू निकालना जहां टू नाल निकालना की मेरा आंसर सेम है ये देखना चाहते ना आंसर इज यस हूं साइन 30 गल देखो सी है साइन 30 कितने है एक दा रूट एक फोर दा टू कितना आंसर आ गया प्लस वन बाय टू हूं ये आंसर की आंसर टैली करो हो गया जो आंसर कॉस 60 दा सीगा ओही साइन 30 दा सी इना मतलब जो प्लस वन की फिजिक्स पढ़नी है एडवांस फिजिक्स एनसीईआरटी बेस पैटर्न पढ़ना है तो सानू सब तो पहला मैथमेटिकल टूल के ऊपर ग्रिप बनानी पैंदी है नाइन टेंथ वाला मैथ्स भी पढ़ना है थोड़ा जा एडवांस पढ़ना उस तो बाद ये प्योर फिजिक्स के से पढ़ना शुरू कर देना कॉस 60 का माइनस कॉस 30 देखो टेबल देखो कॉस 30 10 का √10 4 का 2 तो माइनस √3 / 2 इधर देखो tan 30 ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਆਨਸਰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਕੋਟ ਆ ਲਿਖੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 3 ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ 150 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੋਸ 150 ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੈਨ 150 ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਸੇ ਆਪੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 और रूल नंबर 2 तो नेक्स्ट वीडियो में इसे तुम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लाइक बेसिक मैथमेटिक्स टूल है वो भी समझाने हैं इस तक यही लेक्चर तुम समझ आ गए होएगा उम्मीद करते हैं थैंक यू वेरी मच